इस क्वेश्चन में क्या करना है? पहले जो गैर कार्यरत है यानी कि 2010 35 में ले लें नॉन कितना? वर्किंग, 2010 में नॉन वर्किंग कितना है? 35 तो नॉन वर्किंग 2010, और ये किसका टोटल का सर, टोटल 2010 वर्किंग नॉन टोटल? वर्किंग बोथ जी टोटल 2010 का इनटू 100%, यही है क्वेश्चन। तो आप सर, बताओ, नॉन वर्किंग लेकिन 2035 है? पॉइंट हाँ, 35/120। जी सर तो पॉइंट और में आएगा ना सर? नीचे 85 + 35, यही ना? हाँ, तो जी अप्रोक्सीमेट सर, पूछ रहा है ना। जी सर, हाँ, लगभग कुल कार्यरत तथा गैर कार्यरत दोनों की, यानी कुल संख्या का कार्यरत, तो ये हो गया 35/120 इनटू 100%, और सॉल्व किया तो 29% ये आ रहा है नाइन पॉइंट इसका। वन सिक्स आ रहा है जी सर, हाँ, लगभग ट्वेंटी ही आ नाइन रहा है। लगभग लिखा ट्वेंटी हुआ है, नाइन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 29.16 अगर आ रहा है अप्रोक्स, तो इज इक्वल टू, ये अप्रोक्स है 29%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। सेवन इज टू फोर सर। 7:4 सेवन इज टू फोर सर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन टू द नॉन वर्किंग वुमेन इन ईयर 2009? द 2009 में वर्किंग और नॉन वर्किंग का, द 2009 कितना इजी क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे? 2009 का वर्किंग और उसी ईयर का नॉन वर्किंग, तो वर्किंग कितना है? 70 ग्राफ और देख, नॉन वर्किंग 40। ग्राफ अच्छे से दिख रहा है? 70 जी सर, बहुत अच्छे से। 70 और ये 40, 7:4 जी सर, कि 4:7? नहीं, नहीं सर, 7:4 सर, 7:4 सेवन इज टू फोर। थर्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द ईयर 2006 टू द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन 2010? जल्दी से बता दो। 2006 वर्किंग वुमेन कितना है? 50? 10:17 10:17 हाँ सर, 10:17 और 2010 में कितना है? 85 85 85 टेन इज टू 70। 70 अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमेन इज द हाईएस्ट? 2010 दोनों सर, 10 सर, हाईएस्ट सर, 2010 ऐड करके देख लो, 10 में तो 120 है, अभी ऐड किए थे ना, जी सर, और 9 में 35 70 और 40, हाँ ठीक है, सब में 110 है, उसके बाद सर 2010 ही होगा। यस सर, एटी फाइव प्लस 35 दैट इज 110, सॉरी 120, और ये था 2010। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर और ईयर्स डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमेन इज द लोएस्ट? 6 and 7 2006 or 7 6 and 7 सर। अच्छा, 6 और 7 दोनों इक्वल है क्या? हाँ, दोनों इक्वल है सर। जी सर, चले अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिख रहा है, पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 1400 ऑफिसर्स ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोलकाता। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट है, परसेंटेज में है, 5:7 ट्रेन से जाने वाले 36%, बस वाले 20%, कार वाले 21%, 15, 5, 7
फिगर तो सबको टू व्हीलर और कार का रेशियो चाहिए 5 से 7 सर सबको अच्छे से दिख रहा होगा जी सर बहुत अच्छे सर टू व्हीलर्स एंड कार टू व्हीलर्स कितना है जी अच्छा जब यहाँ रेशियो पूछ रहा है ना तो 1400 टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये 1400 ऑफिसर्स तो ये 1400 को टच करने की आवश्यकता नहीं है नहीं नहीं है बात जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रही है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हो तो टू व्हीलर है 15 टू व्हीलर है 15 और कार का है कितना 21 तो कार से यात्रा करने वाले तो रेलगाड़ी वाले कितना है 36 और कार वाला कितना है 21 यस सर तो डिफरेंस क्या हो गया 15 और ये 15% ऑफ व्हाट टोटल कितना था 1400 था सर 210 यानी 15/100 × 1400 210 सारा 210 अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ ऑफिसर हु गो टू ऑफिस बाय मेट्रो रेल 112 जी सर 112 यस सर 112 सीधा आप लोग 1400 का मेट्रो रेल कितना है 8% 112 जी हाँ अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु गो टू ऑफिस बाय कार वैसे डायरेक्ट जल्दी बताओ 294 क्या लिखा हुआ Study the following pie chart carefully and answer the question given below. Survey conducted on 10,500 people to find out the various yaar acche se pehle graph samajhna tab solve karna to find out various professionals the 10,500 ko पाई चार्ट के रूप में डिवाइड करेंगे क्योंकि उसमें डिजाइनर्स कितने थे 10,500 का 16% डॉक्टर्स 21% सब ऐसे वैल्यू निकलेगा उसमें से अब यहाँ ध्यान दो ग्राफ में क्या लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ फीमेल प्रोफेशनल्स कितने हैं तो डॉक्टर 20% है तो पहले टोटल डॉक्टर्स निकाल लेते 10,500 का 21% अगर कोई क्वेश्चन रहे कि उसमें फीमेल डॉक्टर्स कितने हैं तो जो भी आपका वैल्यू है 10,500 × 21/100 × 20/100 अगर पूछता नहीं मेल कितने हैं तो 80% क्वेश्चन समझ में आ रहा है इस चार्ट यानी यहाँ पाई चार्ट भी है और यहाँ टेबल भी है तो पाई चार्ट और टेबल दोनों के यूज से हमको आगे बढ़ना होगा जहाँ भी जरूरत होगा टोटल भी मालूम है 10,500 अगर नंबर की बात होगी तो यहाँ से हम लोग लेंगे क्लियर है ये वेरियस प्रोफेशनल्स आपके पास 10,500 पढ़िए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल इंजीनियर एंड डिजाइनर्स टू सेम ऑक्यूपेशन फीमेल प्रोफेशनल्स इन द टाउन क्या निकालना है रेशियो
चलो भाई रेशियो निकालना, जैसे ही रेशियो कहते तुरंत खोजो दो टर्म कम से कम होगा। तो पहला है व्हाट इज द रेशियो मेल इंजीनियर, अच्छा तो मेल इंजीनियर ढूंढ लेंगे। एंड डिजाइनर्स, रेशियो ऑफ द मेल इंजीनियर एंड डिजाइनर, अच्छा मेल इंजीनियर भी है और डिजाइनर्स भी है, और इसको किससे निकालना है, सेम ऑक्यूपेशन, अच्छा इसी में फीमेल प्रोफेशनल्स इन द टाउन, तो वो मेल था और ये फीमेल है, ये भी आपका इंजीनियर्स का और डिजाइनर्स का। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो मेल कितना पहले क्या है ये, आप चाहो तो 10,500 ले या ना ले। नहीं लेंगे सर 10,500, नहीं दोनों तरफ कट जाएगा। इंजीनियर डिजाइनर ले कि नहीं ले, वो तो लेना होगा, वो लेना होगा सर, और उसका मेल और इंजीनियर कितना है, 18/100 इनटू उसका मेल हो जाएगा 18 का, हाँ 18 का 80, इंजीनियर मेल 40, इंजीनियर्स 40 60% है ना फीमेल, तो ये 40 इधर भी निकाल दे क्या कि 18 का ये 60%। यस सर प्लस डिजाइनर्स भी है जी, हाँ 16% सर, तो डिजाइनर्स को ढूंढो कितने हैं, 16 है, 16 जी सर, 65 इनटू डिजाइनर का परसेंटेज बताओ, 65% और प्लस यहाँ पे यहाँ भी लिखते 16 into 35% 16 to 35 तो लगा था कि परसेंट परसेंट भी हट ही जाएगा। आप लोगों को लगा कि नहीं लगा, जी सर मल्टीप्लाई करने पे आएगा, एलसीएम भी लेते तो 100 ही होता, तो क्यों केवल मल्टीप्लाई करो, 720 आ रहा है, 720 प्लस 1040 1040 जी सर, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है 108 1080, हाँ 1080 और 560 16 25 80 16 48 और 8 56 560, इन दोनों को ऐड किया 10 7 1700 बताओ रेशियो क्या है, 44 41 सर 44 41 44 41 ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, ऑप्शन नहीं है, नहीं 41 44 है, जबकि आर एच 44 में मार देंगे, नहीं सर ऐसा नहीं थोड़ी सर। करते हैं ऑप्शन नहीं है क्या रागनी, रागनी क्लास में हो, यस सर नन ऑफ दीस हो जाएगा, नहीं है तो क्या करेंगे, 44 41 सर, नॉन ऑफ दिस 44 तो है ना जी, तो क्या फर्क पड़ता है सर, उल्टा हो गया, तो यहाँ के बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर से क्या पढ़ रहा है कि पहला नाम मेल है और दूसरा नाम फीमेल है, तो पहले मेल ही लिखे तो हम लोग लिखे भी हैं पहले मेल, बाद में फीमेल तो हम लोग लिखे भी हैं बाद में फीमेल, यानी हम लोगों का तो आंसर यही आएगा, इसलिए आंसर नन ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन सबों को अच्छे से दिख रहा है,
जी सर, आज बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं कुछ भी नहीं सर। नहीं आज तो क्लास सबसे अच्छा चल रहा है सर, बहुत दिन बाद। बहुत अच्छा आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चले अगला क्वेश्चन। टोटल तो मालूम है, वही टोटल लेके चलेंगे हम लोग। टोटल कितना था? 10,500। 90% 90% अप्रॉक्स। 90% टोटल प्रोफेशनल्स। टोटल नंबर ऑफ लायर्स इन टाउन इज, टोटल नंबर ऑफ लायर्स कितना है, व्हाट परसेंट? चलो लायर खोजते हैं। 19 तो कर नहीं रहा है तो 19 व्हाट परसेंट। नंबर ऑफ डॉक्टर्स ये भी नहीं कर रहा है मेल फीमेल, तो सीधा 21 बगल में तो कैलकुलेटर होगा ही, जल्दी से दबा दिए होंगे क्या? 90% सर। अप्रॉक्स 90 आ रहा है जी। यस सर 90 होगा। यस सर। हां सर। एप्रोक्सीमेटली तो पूछ ही रहा है, तो 90%। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द टाउन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, हाँ सर। सब सबका मेल और फीमेल। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। क्या कह रहा है सर? पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है हमको टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स प्रोफेशनल इन द टाउन। द टाउन में जितने भी प्रोफेशनल मेल फीमेल है उसका रेशियो नहीं, मतलब डिफरेंस बताना है। समीर कैसे निकालेंगे? समीर। यस सर। कैसे निकालेंगे? एग्जाम में ये टाइप भी आया है इस बार। यस सर। स्किप करना ही सही होगा, बहुत टाइम लगेगा सर इसको। बहुत टाइम लगेगा सर, इसको तो मैनेज कर देंगे। अच्छा ये 10,500 तो टोटल था, चलो इसको अभी नहीं देखते हैं सर, इसको नहीं लेंगे। हाँ नहीं देखा। 16 वाला डॉक्टर्स है तो 20 डॉक्टर का। अच्छा फीमेल 21। अच्छा बताओ फीमेल 20 तो मेल कितना? 80 सर। तो एक ही बार डिफरेंस क्यों नहीं सोच ले, क्या हो जाएगा? 80 माइनस 20 60। दूसरे का हमारा डिफरेंस क्या होगा? दूसरे का 20 व्हाट 20 सर। यानी यहाँ मेल ज्यादा हो गया ना, 20 होगा और दूसरे में फीमेल ज्यादा है। 60% फीमेल है इंजीनियर्स, डिफरेंस तो ठीक है 60 और 40 है, तो 60 माइनस 40 फिर से मेल 20। आर्किटेक्ट में बताओ मेल 20 20 फीमेल होगा। हाँ मेल ज्यादा होगा सर, 20 मेल 20 मेल ज्यादा है। 40% ज्यादा है जी सर। यस सर। क्या लिखेंगे? 60 माइनस 40 फीमेल 60। और टीचर सबसे आसान रास्ता होता है लड़कियों के लिए, टीचर बन जाना, चार लाइन इंग्लिश बोलने आ जाए, थोड़ा मैथ अच्छे से आता है बस, पैसा तो कहीं। जॉब लड़कियों को जॉब कैसे नहीं मिलता? लड़कियों को तो बहुत जॉब मिलता है, सारा स्कूल उन लोग को प्रायोरिटी भी देता है, केवल चार लाइन स्पोकन आ जाए और मैथ्स अच्छे से आता हो, कोई नहीं हटा सकता आपको। ट्यूशन भी खूब चलता है, जॉब मिला बहुत अच्छी बात। नहीं देखो यहाँ टीचर वुमेन टीचर 80% और मेल को समझ ही में नहीं आता है कि हम भी कुछ काम करें। yes, फीमेल है ना? यस सर। एफ फीमेल। यस सर। 60 हो जाएगा सर डिफरेंस। 60 होगा। हाँ ठीक है, अभी 80 माइनस 20 खराब है। 80 माइनस 20 इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि टीचर हमेशा बर्बाद होते हैं, जो तुम लोग मन में खुश हो रहे हो कि सर लोग की स्थिति खराब है। नहीं सर। नहीं सर ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा खुश हो रहे थे तुम लोग इसलिए बताया।
लायर, फिर मेल ज्यादा है, मेल 20, मेल ज्यादा है 20, 20 60 माइनस 40 अगला में डिजाइनर्स में बताओ कौन ज्यादा है, मेल ही ज्यादा है, 65 minus 35 जो हम लोग को समझना है वो चीज देख रहा है, ये 10,500 को भी अभी छोड़ दो, सबसे लास्ट में लेंगे, पहले परसेंटेज का खेल कर ले और टोटल वो 10,500 का ही होगा। तो चलो सबसे पहला डॉक्टर्स पे आए, 21% ऑफ, जल्दी बताओ डॉक्टर्स का कितना है, अब यहीं पर वो तो हम ऊपर में बताए निकालना, डॉक्टर्स कितना है जी, 60 तो ये प्लस साइन कर देते हैं, प्लस साइन क्यों कर रहे हैं, मेल के लिए, क्योंकि मेल में हम लोग सपोज कर लिए कि मेल का साइन प्लस और यही सपोज कर लिए कि फीमेल का साइन माइनस, ऐसा हम लोग कर लिए जिससे आगे बढ़ने में सहूलियत हो। अब बताओ 21/100 डिफरेंस कितना होगा, 60/100 80 से 20 घट गया। अगला में इंजीनियर ज्यादा यानी फीमेल माइनस करते साइन, फीमेल ज्यादा है यानी जो ज्यादा है उसका साइन 18/100 तो 60-40 यानी पहले तो ये देखो अगला इंजीनियर है, इंजीनियर में 18% सर, 18% सर, तो 18/20% इनटू 20/100 उसके बाद आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट में देखो कौन ज्यादा है, 11% मेल ज्यादा है यानी साइन प्लस लगा देते हैं, साइन प्लस आ गया आर्किटेक्ट को यहाँ ढूंढो 11% चले आगे बढ़े, टीचर, टीचर फीमेल ज्यादा है, साइन क्या होगा जल्दी बताओ, माइनस टीचर को ढूंढो 60 होगा सर, 15 into 60% जी सर, यस सर। टीचर के बाद लॉयर है, लॉयर देखो कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, लॉयर में मेल है सर, मेल 20% मेल सर, 19 बटा 100 ये था डॉक्टर्स, ये था इंजीनियर्स, ये था आर्किटेक्ट, ये है टीचर, मेल ज्यादा है साइन प्लस बोलो, नाइनटीन बाई हंड्रेड इंटू, फिर यहाँ जाओ 20 होगा सर, 20/100 उसके बाद डिजाइनर्स कौन ज्यादा है, मेल, फिर साइन प्लस, मेल 16 into 30 डिजाइनर्स है 16/100 30/100 ये केवल काम करना है, ये 100/100 तो कॉमन हो ही जाएगा और उसके बाद जब 10,500 तो ऐसे लिख दो, 100 into 100 या तो आप एक एक जीरो हटा सकते हो, जैसे एक जीरो पहले वाले में हटाया कितना होगा, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले जीरो हटा देते हैं, ये जीरो कैंसिल, यहाँ भी एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी एक जीरो कैंसिल,
यहाँ भी एक जीरो कैंसिल और यहाँ भी एक जीरो कैंसिल, बस मल्टीप्लाई करना है। सिक्स वन जा सिक्स टू जा ट्वेल्व, 126 बाई, अच्छा वो 100 इंटू 10 को बाहर कर दे क्या? जी सर, थाउजेंड सीधा 126 माइनस 18, ये नीचे वाला, यानी ये सब 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 कॉमन लेकर के एक ही बार हम लोगों ने इसको बाहर कर दिया। अब बहुत छोटा छोटा मल्टीप्लाई बच गया, देखो दूसरा साइन माइनस है, 36, अगला साइन प्लस है, 22 माइनस 90 प्लस 19 38 प्लस 48 सर ऑप्शन बी आया है 1134 हां 1134 है 1134 ये बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को निकालना है। कई बार पता है एग्जाम में ऐसा होता है हमसे 7 ही 8 क्वेश्चन बनने वाला होता है, और कटअप भी उस बार 3-4 पे होता है, 30 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन जो लोग बना लेते हैं कटअप क्लियर कर लेते हैं, हमसे मान लो 10 क्वेश्चन बनने वाला है, टाइम तो पूरा है, तो वैसे केसेस में हम जानते रहेंगे तब तो सॉल्व करेंगे, इसलिए क्वेश्चन जानना है। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, 10 से ज्यादा हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, तो पता है 7-8 वाले टॉपर हो जाते हैं। बोलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। कुछ लोग तो देखते होंगे कि बड़ा क्वेश्चन सर बताने लगे तब भागने लगे होंगे आप, एकाध तो भाग गया। नहीं सर, ठीक है सर। अच्छा भागिए सब, अच्छा है, मैं बताऊंगा। सर बड़ा नहीं था लेकिन लास्ट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, पहले ज्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है। पहले लग रहा था घबराहट, लेकिन लास्ट में देखो कि कितना आसानी से निकल गया। आसान है सर। और ये तो आपको समझने के लिए इतना सारा स्टेप लिखा, आप पहले ही सोच लेते कि हमको 4 जीरो लिखना ही नहीं है, नीचे वाला जीरो लिखेंगे ही नहीं, तब क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे वहां, तब सीधा जैसे डॉक्टर है आप सीधा पहले डिफरेंस निकालते हैं उतना से मल्टीप्लाई करते चले जाते। अगला क्वेश्चन, फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ द मेल टीचर, फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल टीचर्स इन द टाउन। अच्छा कुछ लोगों का पेमेंट कल भी आया है, लेकिन कुछ लोगों का पेमेंट बहुत दिनों से नहीं आया है, तो उन लोगों का अगले क्लास से आपका हटा दिया जाएगा, आईडी हट जाएगा आपके पास, हो सकता है ना ही क्लास का कोई मटेरियल जाएगा ना ही पीडीएफ जाएगा, हो सकता है आपको दोनों जगह से हटा दिया जाएगा जिन लोगों का पेमेंट समय पे नहीं आ रहा है, इसलिए वहां से जो भी बोलना होगा आज 12 बजे के बाद पहले बोल लेना, 12 बजे के बाद उन लोगों का दोनों जगह से हट जाएगा, ये ना ही आपको वीडियो मिल पाएगा ना ही क्लास का पीडीएफ मिल पाएगा और ना ही क्लास जब शुरू होगा उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे फीमेल डॉक्टर 35 फीमेल डॉक्टर्स ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखते जी, फीमेल टीचर। आप देखो कितना आसान है, ये सब मेंस का क्वेश्चन है, अगर मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस बार जब आया ये क्वेश्चन तो लोग बहुत टफ आया, जबकि सिंगल मोहन जी ने शायद वो दिया है जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप देखो पाई चार्ट बार डायग्राम जैसा मैंने बताया था सब क्वेश्चन वही है और क्वेश्चन आसानी से बन सॉल्व हो रहा होगा। मैंने बताया स्केल 1 स्केल 2 तक भी अगर आप एग्जाम का सोच रहे हो आप बना करके देखो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा इनटू 100%। क्लर्क से स्टार्ट करो जहां तक जाना है, मैं वहां तक लेकर के चलूंगा। फीमेल डॉक्टर कोई जरूरी नहीं कि 10,500 को लेके चले, जहाँ परसेंट हो रेशियो, हाँ इससे पहले वाले में नंबर पूछ दिया तब हम 10,500 को भी लास्ट में लो, मैंने क्या बोला 10,500 को सबसे लास्ट में लेना क्योंकि नंबर पूछ दिया है, बाकी हर एक जगह यहाँ नंबर नहीं पूछा था आपने नहीं लिया, 19/21 × 100 कर दिया, 10,500 को टच ही नहीं किया, यहाँ
रेशियो पूछा था, यहाँ भी हम लोग नहीं लिए, नंबर को नहीं लिए। जब रेशियो पूछे, परसेंटेज पूछे, तो आप नंबर को छांट के चल सकते हो। मैं बार बार ये चीज बतला रहा हूँ क्योंकि नंबर से जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो पाई चार्ट या बार डायग्राम या टेबल को ब्रेक करते हैं तब सॉल्व करते हैं, उनके लिए कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये फीमेल डॉक्टर, तो हम लोग डॉक्टर्स में आए, डॉक्टर कितना है जी टोटल? 35%. किसी को प्रॉब्लम 35% में? नहीं सर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल आर्किटेक्ट टू द नंबर ऑफ मेल टीचर्स? मेल आर्किटेक्ट मेल टीचर्स 3:2। मेल आर्किटेक्ट, मेल आर्किटेक्ट कितना है? 11। और मेल देखना है, आर्किटेक्ट में मेल यहाँ पे है तो इनटू 60 करते, जब 40 फीमेल है तो मेल 60। जी सर। और जी सर, 11 इनटू 5। मेल टीचर्स, टीचर्स कहाँ पे है? यहाँ टीचर 15%, 15 और मेल टीचर जब 80 फीमेल है 11:5 ये इस ग्राफ को कॉम्बिनेशन ग्राफ भी बोलते हैं, एक पाई चार्ट और एक टेबल दोनों को लेकर के चल रहा है। किसी को प्रॉब्लम 15 तक में? नहीं, नो सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। Three different products in 1000 produced by a company in 5 different years. तीन product है, CD है, pen drive है, keyboard है। Graph को अच्छे से समझ लो। और ये number of product 1000 में है। 2005 में देखो तो CD कितना हजार है, कितने कितना thousand है? CD 7.5 ये 1000 में है, 30 ऊपर में लिखा हुआ है इन 1000। हाँ तो 7.5। चले 2005 में जल्दी से देखिए, कीबोर्ड 25,000 सर। 25,000 सर। 25,000 2007 में कीबोर्ड 30,000 2009 में पेन ड्राइव 17,000। इसका अर्थ है कि आपको ग्राफ देखने आ गया। चले हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेन ड्राइव प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी over all the years together? Sachin batao to, question kya puch raha hai? Sir, sare year ka pen drive average nikalna hai, sabhi year ka pen drive ka total nikal lenge aur divided by 1 2 3 4 5 se bhag de denge, yahi yes sir, divided by number of year, yes sir, yes sir। To chaliye पहला 2005 पेन ड्राइव बीच वाला है तो जल्दी से बताते जाओ। 15+, अब 15,000 नहीं लिखना, लास्ट में हजार। 15+ 85,000 सर। 15 जो 7.5 है ना, प्लस 17.5 और डिवाइडेड बाय टोटल 85, ये 1000 में है। 5
चाहो तो लास्ट में इनटू 1000 कर दो और डिवाइडेड बाय 5, लेकिन इसको ऐड करके जीरो काटना मत, 5000 बाय 5 अच्छा कुछ जल्दीबाजी में ए में टिक लगा देंगे और अच्छी बात है. नहीं सर, इतने गाइड करने के बाद अगर आप मैथ्स में हाईएस्ट स्कोरर नहीं बनते हो, दैट मींस अच्छे पोजीशन में नहीं रहते हो कि किसी और सब्जेक्ट में अगर थोड़ा कम मार्क्स भी आए तो मैथ्स के कारण आपका सिलेक्शन हो जाए तो बेकार है पढ़ना, पढ़ना छोड़ देना. आज ऐसे भी कुछ लोगों को मैं हटाने वाला हूँ कि टाइम बहुत हो जा रहा है, अब अपना अपना टाइम देख लेना. तो कुछ लोगों को आज हटा देंगे, तो अब हटा देंगे तो उससे पहले 12 बजे के पहले आप लोग बात करें. सर नाम टाइप करके डाल दीजिए ना व्हाट्सएप में. सर मेरा एक दो दिन मेरा तो सही नहीं है बेटा, मेरा तो सर नाम डालना अच्छा नहीं रहेगा सर, क्योंकि 19 तारीख को ड्यू होता है ना, तो किया है उनको तो अपना मालूम है कि हमने पे किया है, वो अपना पिछला हर टाइम टाइमली पे करते हैं सर. कुछ लोग को कभी नहीं बोलना पड़ता, एक दिन पहले ही कर देते हैं, तो हम उन लोगों को नहीं कह रहे हैं, उन्हीं लोगों के कारण ये क्लास चल रहा है, नहीं तो ये क्लास कब का बंद हो गया रहता. सर मेरा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे दूसरे से करवाना पड़ता है, मैं करवा दूंगी यार सर, कोशिश करूंगी, मेरा दो दिन लेट हुआ है सिर्फ सर. नहीं तो एक वीक तक का लेट चलता है. हाँ सिर्फ मेरा दो दिन वीक मतलब लेट हुआ है अभी. मतलब मैंने बता दिया, लेकिन बहुत दिन लेट या पेमेंट नहीं आना तो आज से आपका क्लास रुक जाएगा. अब उसके बाद मैं क्लास में एंट्री भी नहीं दूंगा क्योंकि बार बार करना अच्छा नहीं लगता है. एक ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट वाला फी है कि 6000 रुपया मैथ्स में देना पड़ रहा है, 6000 तो यहाँ एक साल तक आप पढ़ते रह जाओगे. अब उसके लिए छोटी छोटी बात के लिए हम बोलें कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, ये बड़ा खराब लगता है. अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई द कंपनी इन द ईयर 2006 एंड 2008 टुगेदर. जल्दी बताओ 2006-2008 टोटल प्रोडक्ट बताना है, 2006 में तीनों का टोटल, 2006 एंड 2008. 2006 में कितना कितना था, 10 + 7.5 + 15 और 2008 में क्या था जी, 25 + 30 + 20 और ये 1000 में है, यही है ना. yes, 15 + 10 = 25 = 32.5 प्लस 75. None of these are answer. जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना जीरो हटा दो, तो 10750. फोन पे से हो रहा है ना अभी पेमेंट सर? क्या फोन पे से? अभी तुम्हारा ध्यान वहीं पे है, वो कहानी खत्म हो गया, उसकी बात अब नहीं. अरे मेरी दीदी पूछ रही थी. नहीं हो रहा है सर, हो रहा सर का नहीं है फोन पे पे आईडी. नहीं सर फोन पे से नहीं होता है. नहीं सर नहीं हो रहा है सर, कल पेटीएम से डाले थे. हो सकता है कुछ इशू आ रहा होगा आपके तरफ से, तो उसके बाद कुछ किसी का पेटीएम से भी आया कल. मैंने बोला था कि आप अपना जो भेजते हो अपना स्क्रीनशॉट दे दो, नहीं तो पैसा आने के बाद भी काउंट नहीं होगा, दोबारा भेज देना. हम क्या करें सर, डाल दिए थे ग्रुप पे. हाँ स्क्रीनशॉट ये पेड क्लास वाले पे डाल दिया करो. अब अलग अलग जो लोग सोचते हैं कि हम अपने नंबर, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो व्हाट्सएप
से डायरेक्ट मेल से लिंक रहे तो कई बार हम उसको नहीं देख पाते, बहुत सारा मतलब नहीं कुछ भी होगा तो 50 से 100 मैसेज सब दिन रहता है जो मैं नहीं पढ़ता, कई बार छोड़ देता हूँ तो। लेकिन ये जो पेड क्लास वाला है उसको एक बार जरूर देखता हूँ, इसलिए इस पे जरूर डाल दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। What was the respective ratio between CD produced by company 2009 और keyboard 2005? कितना इजी है, सोचो ना एग्जाम में बैंक पीओ बनना कितना इजी है, वो चीज देख लो। एसएससी में जाना कितना, 20 से 30 नंबर क्वेश्चन रहता है सीजीएल में, 40 40 30 30 नंबर का सीजीएल मेंस में क्वेश्चन रहता है। एसबीआई पीओ में तो 100% क्वेश्चन रहता है, IBPSPO, RRBPO, मेंस देने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर आप पीटी निकाल करके आ गए तो एकदम गारंटेड है कि मेंस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको मैथ्स में। हाँ प्रैक्टिस करना होगा, नाइनेस पढ़ाना होगा। हाँ क्या आया जी? ऑप्शन ए सर, ये तो पेन देख, नाइनेस टेन, ये तो सही बन गया सर। सीडी 2009 था ना? यस सर, 2009 सीडी। और कीबोर्ड 23 पॉइंट हटा दो और यहाँ जीरो लगा दो और 9 जा और वो 10 जा, 25 से 9 10 जा, 25 से कट जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव एंड सीडी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी टुगेदर 2008 एंड नंबर ऑफ कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी 2006। पेन ड्राइव एंड सीडी 2008, पेन ड्राइव प्लस सीडी 2008, और दूसरा क्या है कीबोर्ड 2006, यही क्वेश्चन है। 35,000 सर, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। पेन ड्राइव प्लस सीडी 2008 में 55 सर, यानी ये और ये सर 40,000 डिफरेंस हो जाएगा 40 और 40,000 हो जाएगा आंसर। 40,000 ऑप्शन ए में सर। यूसी रहा है, बाहर भीतर क्यों हो रही है सर? आपका नंबर देने चले गए थे। मुझे पेमेंट करवाना था बहुत जल्दी। अरे क्लास के समय पेमेंट नहीं करा, बार बार ना बोले वो ही, अब बाद में 8 बजे के बाद हम लोग देखेंगे। 8 बजने तो दो, 8 बज गया सर। सर क्लास छूट जाएगा इसलिए सर, सब कोई डर गया है सर। सर 8 बज रहा है, बज रहा है। अगर 2020 देखो, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कीबोर्ड प्रोड्यूस बाय कंपनी 6-7-9 का, केवल कीबोर्ड उठाना है, जल्दी देखो 15, 30, 6, 7 और 9 का है। 9 में कितना है कीबोर्ड? 15, 1-2-1 सर, 1-2-1 डी सर, 1-2-1। अच्छा एग्जाम का है वो क्वेश्चन सही है। अब सोचो कि प्रैक्टिस उसी का कराता हूँ जो एग्जाम में आया, कितना आसान है जॉब लेना। कम से कम खासकर डीआई और जितना ऊपर लेवल में जा रहा है डीआई और इजी हो जाए, केवल डीआई आता है। हाँ जब तक हम लोग नीचे लेवल में, हाँ ये रहेगा आपका सीटी तो निकालना होगा। सीटी में तो आपका अर्थमेटिक बहुत रहेगा, अर्थमेटिक भी अच्छा करना होगा। एक बार अच्छा स्कोर कर लोगे
तो हर एक एग्जाम्स के लिए आप तैयार हो जाते हो, क्लासेस तो खुलने वाला है ही, एक महीने बाद खुले, दो महीने बाद खुले, कब सर? कब सर? अभी तो जैसा 21 सितंबर से 9th, 10th, 11th, 12th के लिए दिया कि अपने टीचर से मिल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक तरह का इंडिकेशन है कि अक्टूबर में शायद क्लास खुल जाए। लेकिन रात एक चीज और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कोरोना का वैक्सीन जनवरी में आने के चांसेस है। हमारे पीएम ने बोला था सेकंड स्टेज, अपना सेकंड स्टेज का हो गया बायोटेक वाला, अपना इंडियन बायोटेक वाला। यस सर, एनिमल पे वो सक्सेसफुल हो गया। उसमें जो 380 आदमियों पे जो ये करना है ना सर, थर्ड स्टेज का, वही अभी बाकी है। तो 380 आदमियों पे बहुत पहले भी आएगा तो जनवरी लगेगा। रात मैंने न्यूज में देखा हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि जनवरी होगा, भले ही हमारे पीएम पहले जो 15 अगस्त को आ जाएगा, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर, तब सुने कि नवंबर में आएगा, और वैक्सीन के लिए इन्होंने बोला कि जनवरी में आएगा। कोरोना से लोग डर नहीं रहे, लेकिन कोरोना गड़बड़ तो है, क्योंकि जिसको हो जा रहा है ना, उसकी स्थिति बहुत भयावह हो जा रही है। बच जा रहे हैं, खराब हो जा रही है सर, बच जा रहे हैं दूसरी बात है, लेकिन पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम नहीं रख पाते, इसलिए मास्क का यूज जरूर करो, अपने पॉकेट में एक छोटा सैनिटाइजर जरूर रखो, कोई भी हो कहीं भी जाए सैनिटाइजर लेके जाओ, मास्क लेके जाओ। अच्छा, पिछले दिन एक क्वेश्चन दिया था, शायद सॉल्व नहीं हुआ था।